जीएसटी के लागू होने का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही व्यापारियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया। व्यापारी संगठनों ने जीएसटी की खामियां दूर करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में 30 जून यानी कल बनारस बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों ने बंदी को सफल और उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जनसंपर्क तेज कर दिया है। जीएसटी के विरोध में पंफलेट बांटे जा रहे हैं, बैठकें कर रणनीति तय की जा रही है। वही कपड़े पर 6% जीएसटी का विरोध कर रहे देशभर के टेक्सटाइल ट्रेडर्स ने भी अहमदाबाद में एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली में करीब 15 कपड़ा मार्केट के कारोबारी, प्रोसेस हाउसेस के लोग और डाइंग से जुड़े लोगों ने जीएसटी का विरोध किया। तो कल बनारस बंद का ऐलान किया गया है, तो जीएसटी के विरोध में ये व्यापारी सड़कों पर। और कल भारत बंद का ऐलान, व्यापारियों ने मोर्चा खोला है, खासतौर से कपड़ा व्यापारी इसके विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। जीएसटी किस तरह से मझोले और छोटे वर्ग के व्यापारियों के लिए मुश्किल का सबब बनेगा, इसको लेकर ये तमाम व्यापारी सड़क पर विरोध करते हुए और मांग कर रहे हैं कि जीएसटी में जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए। बड़ा विरोध इस तरह से लेकर कि कपड़ा व्यापारी और टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो तमाम व्यापारी हैं उन पर टैक्स लगाया गया है और इस बात को लेकर इनका विरोध। और बनारस की बात करें तो वहां कल बनारस यानी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र इसके बंद करने का ऐलान किया गया है।